सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर अपने मुखिया अखिलेश यादव के इशारे पर हिंदू धर्म को लेकर जहर उगला है, जो इनके नेता और इनकी पार्टी के दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करता है। एक तरफ अखिलेश यादव सनातनी लोगों के सामने स्वीकार करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य गलत बयानबाजी करते हैं, दूसरी तरफ उनकी विवादास्पद टिप्पणियां जारी है। इसे कहते हैं मौका परस्त जुगलबंद। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को लेकर आए दिन मजाक कटाक्ष करते रहते हैं, इसका अंजाम हर समय विपक्ष को देखना पड़ रहा है। स्वामी प्रसाद यह सब करके ओछी हरकतें कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने पहले भी नसीहत दी थी, लेकिन लग रहा है कि स्वामी जी अब अकेले ही पार्टी बनाना चाहते हैं। ये दुर्भाग्य है। हर बार इलेक्शन में अगड़ा पिछड़ा जाति धर्म के नाम पर ऐसा प्रपंच रचने की कोशिश होती रही है, लेकिन ऐसा करना अब फायदे का सौदा रहा नहीं। जनता सब जानती है उसे राष्ट्र की उन्नति चाहिए, तो स्वामी प्रसाद ने अब कसम खा ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक उनके नथनों में सांस है वो हिंदू धर्म को जी भरकर गरियाते रहेंगे, चाहे कोई भी कुछ भी कह ले, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं इस बार तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अखिलेश यादव की हिदायतों को ताक पर रखते हुए हिंदू धर्म के बारे में विवादास्पद टिप्पणी की, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में भूचाल मचा हुआ है। बीजेपी अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है, तो वहीं अब इस पूरे मामले में डिंपल यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। आखिर डिंपल ने स्वामी के विवादास्पद बयान पर क्या कुछ कहा है, आगे हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता कि आखिर स्वामी जी ने अपनी टिप्पणी में क्या कुछ कहा, उन्हें जरा एक बार उसे विस्तार से बता देते हैं। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा को संबोधित करने के क्रम में हिंदू धर्म को एक धोखा बताया। उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में हिंदू धर्म को एक जीवन शैली बताया था। इसके अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत कई दफा हिंदू धर्म को जीवन शैली की संज्ञा दे चुके हैं। इस बीच उन्होंने भागवत को धर्म का ठेकेदार तक कह दिया। वहीं स्वामी ने कहा कि कई मर्तबा प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली है, लेकिन विडंबना देखिए कि उनके बयान से किसी की भी भावनाएं आहत नहीं होती है। जिसे कुछ लोग हिंदू धर्म कहते हैं वो दरअसल अब कुछ लोगों का धोखा बन चुका है। बता दें कि स्वामी द्वारा दिए गए इस बयान के बाद चौतरफा सियासी भूचाल मचा हुआ है। इस बीच डिंपल यादव का भी बयान सामने आ चुका है। आइए आगे आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की उक्त विवादित टिप्पणी पर डिंपल यादव ने कहा कि यह उनका निजी बयान है, जिसका हम या हमारी पार्टी किसी भी तरह से कोई समर्थन नहीं करती है। तो इस तरह डिंपल यादव ने स्वामी के बयान से खुद को परे कर लिया, लेकिन बीजेपी का हमला नहीं थमा है। बीजेपी लगातार अखिलेश यादव से यह सवाल कर रही है कि आखिर वो कब स्वामी के उल जुलूल बयानों पर विराम लगाने जा रहे हैं। हालांकि बीते दिनों अखिलेश यादव ने स्वामी को चेता दिया था कि वो इस तरह बेहुदे बयान देने से गुरेज करे, लेकिन स्वामी साहब है कि अपनी उल जुलूल टिप्पणी पर विराम लगाने के मूड में नजर नहीं आ रहे। ऐसे में क्या कहना है आपका इस बयान पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।